बिहार में नीतीश कुमार बने नौवीं बार मुख्यमंत्री। रविवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। बिहार में एनडीए की गठित नई सरकार में सीएम नीतीश संग 8 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। आज सुबह 11:30 बजे नई गठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। बिहार की सत्ता नौवीं बार संभालने के बाद बोले नीतीश कुमार, बिहार के हित में बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं और इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा कि नीतीश कुमार की सरकार एक टीम के रूप में बिहार के लोगों की सेवा पूरे समर्पण भाव से करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट के जरिए पीएम मोदी के बधाई संदेश पर आभार जताया। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन की नई सरकार विकास कार्यों को तेज करेगी। नीतीश कुमार ने 28 सालों में तीसरी बार बीजेपी का दामन थामा है। रविवार सुबह 11 बजे नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अड़लेकर को सौंपा था इस्तीफा। 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत हुआ। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 122 के मुकाबले 127 सीट। बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और हम के 4 विधायक। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जीतने का दावा किया है। कहा कि लालू के पूरे परिवार को देंगे शिकस्त। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में सुशासन का फिर से बेहतर माहौल हम फिर से मिलकर खड़ा करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी ने गठबंधन टूटने के बाद फिर सादा नीतीश पर निशाना। कहा कि अभी खेल बाकी है, 2024 में जेडीयू के खत्म करने का दावा किया है। तेजस्वी ने राज्य में हुई बहाली को आरजेडी का विजन बताया। तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू बीजेपी के 17 साल के कार्यकाल का हमारे 17 महीनों के काम से तुलना कीजिए। सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी ने थका हुआ मुख्यमंत्री बताया। कहा कि हमने एक थके और हताश मुख्यमंत्री में काम करने का जोश और जज्बा पैदा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश के पाला बदलने पर निकाली भड़ास। कहा कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की पहले से ही हो रही थी कोशिश, उन्होंने हम सभी को अंधेरे में रखा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नीतीश कुमार को मौकापरस्त नेता बताते हुए निशाना साधा और पवार ने कहा कि बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट पर नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। रोहिणी ने लिखा कि कूड़ा गया फिर से कूड़ेदान में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसा। कहा कि छोटे भाई सम्राट ने नीतीश को हटाने की प्रतिज्ञा वाली पगड़ी नहीं खोली, इसका मतलब है कि संकल्प जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीयू बीजेपी अलायंस को स्वाभाविक बताया। कहा कि आंकड़े गवाह हैं कि जब जब राज्य में एनडीए की सरकार रही, विकास ने लंबी छलांग लगाई। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी पर तंज कसा। जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी की पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनने की हसरत एक बार फिर टूट गई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी के तांडव को खत्म करने के लिए राज्य में नई सरकार का गठन बेहद जरूरी था। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य में एनडीए सरकार बनने पर खुशी जताई। तेजस्वी के खेला वाले बयान पर चिराग ने कहा कि काम से इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के खेला संबंधी बयान पर चुटकी ली। कहा कि अब कोई खेला बाकी नहीं है, आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, बाकी बिहार के हर घर में खुशी है। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार पर प्रशांत किशोर ने बताया बेमेल जोड़। जन सुराज अभियान के संस्थापक ने कहा कि नीतीश को साथ लेने का खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओबीसी ने कसा तंज। ओबीसी ने कहा कि नीतीश, तेजस्वी और पीएम मोदी बिहार की जनता को धोखा देने के लिए माफी मांगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश के पाला बदलने को बीजेपी की सियासी साजिश करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक भावी पीएम को बीजेपी ने फिर सीएम तक सीमित कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के सातवें संस्करण पर छात्रों से बात करेंगे। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से 3000 स्कूली छात्रों को संबोधित करेंगे पीएम। लैंडफुट जॉब मामले में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को ईडी ने किया तलब। लालू के बेटे तेजस्वी को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी आज देगा जवाब और दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय से मांगा था जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। धोनी के दो पूर्व बिजनेस पार्टनर्स ने मानहानि का किया है केस दर्ज। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का आज बीटिंग रिट्रीट के साथ होगा आधिकारिक समापन। दिल्ली के विजय चौक पर आज शाम बीटिंग रिट्रीट में 3100 स्वदेशी धुनों के साथ होगा संगीतमय समापन। बीटिंग रिट्रीट समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड के शंखनाद धुन के साथ होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगी। राज्य में दो दिन रहेगी यात्रा। 31 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर लौटेगी बंगाल। अररिया में रात्रि विश्राम से पहले राहुल गांधी करेंगे जनसभा। रविवार को दो दिन के विश्राम के बाद राहुल की यात्रा जलपाईगुड़ी से हुई थी शुरू। बिग बॉस सीजन 17 के विजेता बने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। अभिषेक कुमार बने रनर अप। मुनव्वर को विनर बनने पर मिला 50 लाख कैश और एक एसयूवी कार। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला है। एनिमल के लिए रणवीर कपूर बेस्ट एक्टर और फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद पटना से दिल्ली लौटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बंगाल पंजाब के बाद बिहार में लगे झटके पर बोले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, इंडिया गठबंधन अपवित्र, अवैज्ञानिक और मौका परस्ती का गठजोड़ है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि सिर्फ पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है इंडिया गठबंधन। राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि वो जहां जाएंगे कांग्रेस खत्म होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने का किया ऐलान। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि विधानसभा चुनाव आप अकेले 90 सीटों पर लड़ेगी। आप संयोजक ने रविवार को जींद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में समान शिक्षा, बेहतर इलाज, महंगाई में कमी, युवाओं को रोजगार और गरीबों को फ्री बिजली सुनिश्चित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को मिले ईडी समन के खिलाफ जेएमएम का आक्रोश मार्च। रविवार को रांची में पार्टी ने राजभवन के सामने किया प्रदर्शन। आज भी जारी रहेगा प्रदर्शन। यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के 11 सीटों के ऑफर को नामंजूर कर दिया। पार्टी कम से कम 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सीट शेयरिंग पर अखिलेश से बातचीत जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज ओडिशा के भुवनेश्वर में सभा। लोअर पीएमजी स्क्वायर में खड़गे की ओडिशा बचाओ सम्मेलन है। उत्तराखंड के देहरादून में रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की हुई सभा। पीएम मोदी पर जमकर बरसे खड़गे। मोदी सरकार की विदेश नीति खासकर चीन नीति पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए कथित हमले के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। खड़गे ने कहा कि ऐसे हथकंडों से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। दो दिन के ब्रेक के बाद रविवार को बंगाल की जलपाईगुड़ी से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा। राहुल गांधी ने बंगाल को क्रांतिकारी विचारों की धरती करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से राहुल की यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है कि सुरक्षा उनकी बढ़ाई जाए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा है। बंगाल, पंजाब और बिहार में गठबंधन दरकने के बाद राहुल को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार में उभरे मतभेद। राज्य के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मराठाओं को दिए आरक्षण के आश्वासन पर नाराजगी जताई है।
पंजाब कांग्रेस ने फिर घमासान शुरू हो चुका है। मोगा रैली को लेकर अपने समर्थकों पर हुई कार्रवाई से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं। पार्टी आला कमान के खिलाफ खोल सकते हैं मार्च। यूपी में कांस्टेबल बहाली के लिए 17 और 18 फरवरी को होगी लिखित परीक्षा। 7244 सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में देंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक पहले 6 दिनों में 19 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं रामलला के दर्शन। राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को स्कूलों में माता पिता सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 2018 में वसुंधरा सरकार की पहल पर गहलोत सरकार ने लगाई थी रोक। राजस्थान के बीकानेर में आज से भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साझा युद्धाभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 103 साल के बुजुर्ग ने किया निकाह। पिछले साल हुए निकाह का वीडियो हुआ वायरल। स्वतंत्रता सेनानी रहे बुजुर्ग ने 49 साल की महिला से तीसरी शादी की है। 2024 की पहली मन की बात कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा पर बोले पीएम मोदी। कहा कि 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा ने सभी को मानो एक सूत्र में बांधा। 75वें गणतंत्र दिवस पर परेड को लेकर पीएम मोदी ने रखे अपने विचार। कहा कि इस बार 26 जनवरी की परेड तो कमाल की ही थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में नारी शक्ति को देखने की रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण बीजेपी मंत्रियों ने भी सुना और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर रहे मौजूद। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सीट बंटवारे में थोड़ा समय लगेगा। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। आप भी कभी उनके साथ नहीं थी। इंडिया गठबंधन पर केसी त्यागी ने भी बोला हमला। कहा कि टूट की कगार पर है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने तार तार किया है रिश्ता। डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चेन्नई में होगी बैठक। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं की सीट शेयरिंग कमेटी से होगी मुलाकात। ज्ञानवापी की एसआई की रिपोर्ट पर बोले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। कहा कि जो निष्कर्ष निकाले गए हैं संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता। जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता। आलोक कुमार ने कहा कि प्रकृति मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की है। सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए। कोर्ट हिंदू समुदाय को अनुमति दे। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। कोहरे ने विजिबिलिटी घटाई है। आने वाले दिनों में आसमान में खुली रहेगी धूप, तापमान बढ़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरा छाया रहने के कारण कई उड़ानों का शेड्यूल चरमराया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से उड़ रही हैं। दिल्ली में कोहरे के कारण देरी से चल रही कई ट्रेन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से आने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं यात्री। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी, पिछले कई दिनों से बर्फबारी की राह देख रहे लोगों के चेहरे खिले। पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जगी। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से वादियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। सड़क, मैदान, घाटी, पहाड़ कुदरत के सफेद रंग में रंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरा जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सारा। घना कोहरा बढ़ा रहा है लोगों की परेशानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार घटी। आने वाले दिनों में भी कोहरे से राहत के आसार नहीं है। शाहदरा अग्निकांड मामले में दो गिरफ्तार मकान मालिक और पोता गिरफ्तार। रिहायशी इलाके में चल रही थी जानलेवा फैक्ट्री।
चार मंजिला इमारत में आग लगने से चार लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईपीसी की धारा 204-285 के तहत गिरफ्तारी। रिहायशी इलाके में वाइपर बनाने की फैक्ट्री जलाकर दोनों आरोपी लोगों के जीवन से कर रहे थे खिलवाड़। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में देर रात बड़ा हादसा हुआ। जागरण के दौरान भरभराकर गिरा स्टेज, एक महिला की मौत, 17 घायल। माता के जागरण के लिए लकड़ी और लोहे के फ्रेम से मंच का निर्माण किया गया था। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मंदिर परिसर में जागरण के लिए पुलिस से नहीं मिली थी इजाजत। हादसे के दौरान जागरण में करीब 1500 से 1600 लोगों का जमावड़ा था। पुलिस ने मना करने के बावजूद वो काबू में नहीं आए। मंच का साइड वाला हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद लोगों में अफरातफरी मच गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश के आरोप पर नरम पड़े कनाडा के तेवर। कनाडाई एनएसए जोड़ी थॉमस ने कहा कि भारत से मिल रहा सहयोग, आपसी संबंधों में भी बेहतरीन सुधार। टेस्ला, स्टारलिंक और एक्स के मालिक एलन मस्क नहीं रहे दुनिया के सबसे अमीर शख्स। फ्रांस के उद्योगपति और लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ट बने सबसे अमीर शख्स। जर्मनी में भी अब हफ्ते में 4 दिन होंगे कामकाज। कई कंपनियों ने 4-डे वर्किंग योजना पर अमल शुरू कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को 3 दिन छुट्टी मिलती है। इंग्लैंड ने हैदराबाद टेस्ट में भारत को 28 रनों से हराया। दूसरी पारी में जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी टीम इंडिया, 202 रनों पर सिमटी। इंग्लैंड की जीत के हीरो स्पिनर टॉम हटले रहे और हटले ने टीम इंडिया के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। वहीं दूसरी पारी में ऑली पॉप ने 196 रनों की शानदार पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्टों की सीरीज का पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका। वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में दूसरे से 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, बांग्लादेश से भी 1 पायदान नीचे। वेस्ट इंडीज ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी घर में टेस्ट हराया। टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने गाबा टेस्ट 8 रनों से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के शामिल होने का रास्ता अब साफ है। सरकार की दखलंदाजी की वजह से आईसीसी ने लगाया था बैन।